नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बस्तर की जंग। जनता किसके संग देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। क्या बस्तर से निकलेगा छत्तीसगढ़ में शासन का रास्ता? लगता तो यही है, क्योंकि रायपुर में भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। कांग्रेस के बयान पर अरुण साव ने पलटवार किया और कहा है कि बीजेपी के लोगों के बीच जाकर संपर्क कर रही है बीजेपी, जिससे कांग्रेस घबराई हुई है। कांग्रेस सरकार से मुक्ति चाहती है, ये बात कह रही है जनता, ऐसा कह रहे हैं अरुण साव। कांग्रेस के बस्तर में आयोजित संभागीय सम्मेलन पर साव ने कहा कि हर एक राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी सम्मेलन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार से मुक्ति चाहती है। कांग्रेस के नेता जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, ये कह रहे हैं अरुण साव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया है। बस्तर से कांग्रेस संभागीय सम्मेलन करेगी, सुशीला शुक्ला ने कहा, और कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस संभागीय सम्मेलन करेगी बस्तर में। संभागीय सम्मेलन में वहां के मुद्दों पर फोकस करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। बस्तर के लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ शोषण किया है, ये बात कांग्रेस पार्टी की ओर से कही जा रही है। तो आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं, दोनों अरुण साव और सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कुछ कहा इस 2023 की रणनीति को लेकर, सुनिए। देखिए, हर एक राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी सम्मेलन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आज छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार से छुटकारा चाहती है, मुक्ति चाहती है, और आज कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 4.5 सालों में उन्होंने कुछ किया नहीं है। सभी संभागों में हम संभागीय सम्मेलन करेंगे और इसकी शुरुआत बस्तर संभाग के संभागीय सम्मेलन से होगी। 2 तारीख को बस्तर में इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, राष्ट्रीय सचिव गण डॉक्टर शर्मा यादव जी, सत्यदेव शंकर गुप्ता जी और विजय जांगड़ से तमाम पदाधिकारी शामिल। तो बस्तर किसका? बस्तर उसी का जिसकी सरकार प्रदेश में बनने जा रही है, यानी कि जिनका बस्तर के पर कब्जा होगा उसी की सरकार प्रदेश में बनेगी, ऐसा छत्तीसगढ़ में माना जाता है। और बस्तर की जनता को लुभाने के लिए, बस्तर की जनता को रिझाने के लिए हर राजनीतिक दल बस्तर में जोर आजमाइश कर रहा है। 12 विधानसभा सीट है बस्तर में, उनको फतेह करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के द्वारा, क्योंकि बीजेपी अपने 4.5 साल के वनवास को खत्म करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो अपनी सत्ता को रिपीट करना चाहती है छत्तीसगढ़ के अंदर। निशिकांत पांडे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का हमारे साथ, ऋषम चंद्राकर प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। लेकिन शुरुआत आप के साथ ऋषम चंद्राकर, बस्तर किसका सर इस बार? देखिए, बस्तर 4.5 साल में इतने आयाम किए हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद बस्तर में विकास और शांति के नए युग का सूत्रपात हुआ है। बीजेपी 15 सालों तक बस्तर को सिर्फ और सिर्फ नक्सली और नक्सलियों का गढ़ बना के रखी थी। इनके पास बस्तर में और आदिवासियों को करने के लिए कुछ नहीं था, ये सिर्फ 15 सालों का शोषण किया। पूरे देश विदेश में बस्तर को सिर्फ और सिर्फ आदिवासी का शोषण और नक्सली इनके नाम से जाना जाता था। इन्होंने 15 साल में बस्तर में कुछ नहीं किया, इसका परिणाम इनको विधानसभा के चुनाव में दिख गया कि वहां पे बस्तर 12 सीट आती है विधानसभा की, उसमें 12 में से इनको 0 मिला, आज के डेट में ये 0 में है। तो आने वाले चुनाव में भी इनका जो पूरा परफॉर्मेंस 15 सालों का जो रहा है, हमने जो 4.5 सालों में आदिवासी और उनके विकास के लिए जो किए हैं, उनका हमें आने वाले चुनाव में फिर से उसका आशीर्वाद मिलेगा। इवन सरगुजा में भी जो आदिवासी पूरा बैठ आदिवासी क्षेत्र है, वहां भी हम पूरे 14 सीटों में रहेंगे, जहां अभी भी जीरो है और आने वाले 2023 के चुनाव में भी 0 में रहेंगे। ठीक है सर, निशिकांत पांडे सर, बस्तर को जीतने का दम भर रही है कांग्रेस पार्टी, आपका जनसंपर्क अभियान कितना गुल खिला पाएगा बस्तर में? स्वप्न देखना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे ही हम पे हंसते थे, हम दो हमारे दो, आज 302 से ऊपर है, खैर कोई बात नहीं। बस्तर की बात करें तो बस्तर के प्रदेश में सारा विश्व आज मतलब छत्तीसगढ़ जब देखता है तो बस्तर के एजुकेशन हब, जब गीदम में सक्षम जैसे एजुकेशन हब बने हुए हैं और तमाम व्यवस्थाएं जो बनाई गई है उसका पूरे विश्व पटल पे प्रमाणिकता से कई राज्यों से और कई केंद्र से उसका, उस समय जब मनमोहन सिंह जी थे तब से सम्मान करते थे। आज हमारे ऋषभ चंद्राकर जी आके बताते हैं कि बस्तर जो है नक्सलीगढ़ हुआ करता था 2002 के पहले, जब आपने जब सरकार हमको जनता ने जब सत्ता सौंपी हमको, उस वक्त वाकई में बस्तर ही नहीं छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा राज्य हुआ करता था। ऋषभ चंद्राकर आज उसी मंत्रालय में बैठ के हस्ताक्षर करते समय सोचते हो
किसने बनाया इसको, रही बात आज इस विषय पर बात नहीं करते, बात करते हैं हमारे कार्यक्रम की। साढ़े चार साल इन्होंने किया काम, आदिवासी हित की बात करते थे, आदिवासियों का आरक्षण खा गए, खाने के बाद दो लोगों को लाल बत्ती से नवाजा, नवाजने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोल दिया 58% जायज है, चलो ठीक 58%, तब लगातार चुनावी वर्ग में देखते हुए लगातार एक थे आवेदन और ये सब निकालना शुरू कर दिए। खैर वो भी ठीक है, आपने प्रदेश की जनता के साथ क्या किया? शराबबंदी करने की बात की थी, नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, नहीं किया। वृद्धा पेंशन नहीं दिया। नियुक्तिकरण की बात की थी, क्या बस्तर के लोग यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर में आकर आंदोलन नहीं कर रहे थे? आपने 2018 तक बस्तर का कितना विकास किया? बहुत। आज कभी जगह जा सकते हैं आप। कितनी सीटें आपकी बस्तर में भरे हैं? वैसे पूरे 12 के 12 सारे हमारे हैं। ये हंस रहे ना लोग, देखना आप पूरे 12 के 12 इस बार आदिवासी बहुत यहाँ से सरगुजा से हम लेके आएंगे। और वास्तव में जो जनता का प्रेम उसने लगातार 15 वर्ष हमको मिला था, उसका पीछे यही था कि हमने लगातार वर्सेस कीजिए, वर्सेस निशिकांत पांडे ऋषभ चंद्राकर डिबेट में ये पीछे बोलता है भाई, ऐसा क्या तरीका है? मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं फिर बोले ना। एक बार तो आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया निशिकांत पांडे की बस्तर में 12 सीटें बीजेपी के पास, मुझे लग रहा है शायद मैं भूल गया हूँ, मैंने पढ़ा कांग्रेस के पास था, लेकिन आप कह रहे हैं आपके पास है, इतना कंफ्यूज मत किया कीजिए सर। नहीं सर, मैं बोला आएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। कृपया सीएम सोनी जी पूरी बात सुने, मैंने कहा कि 12 के 12 सीटें हमारे पास। तो अब आप क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं? नो वे, जो मैंने बोला वही बता रहा हूँ। ऐसा कभी मतलब अभी कितनी सीटें आपके पास? जीरो। एक भीवा मंडावी जीते थे हमारे, वो भी स्वर्गीय हो गए, एक हमारे पास सीट थी। आज की व्यवस्था में हम जीरो पे हैं, लेकिन जीरो को लेकिन बस्तर का विकास नहीं कर पाए तो आपको जनता ने नकार दिया ना सर, ये बात तो मानिए। किसने बोला कि हमको मतलब हमने बस्तर का विकास नहीं किया? जनता ने बोला, वोट दे के बोला ईवीएम पर। देखिए वो अलग विषय है, जो 2018 के चुनाव के परिणाम को आप अगर विकास से जोड़ते हो तो छत्तीसगढ़ बीस पटल पे कैसे प्रमाणिकता से स्थापित हुआ? ये 15 वर्ष का कार्यकाल था, डॉक्टर रमन सिंह जी के रोड मैप था, हावी थी, कहिए कि एंटी इनकमबेंसी हावी थी 2018 में। सिर्फ एक शिवम सोनी जी, सिर्फ एक कारण से कोई हार नहीं होती, सिर्फ एक कारण से जीत नहीं होती। 12 की 12 सीटें आप हार गए, कैसे? मतलब हाउ इज पॉसिबल? जीरो से आए हैं। अरे हम जीरो से आए, हम दो थे तो हम पे हंसते थे कि हम दो हमारे दो, वो विषय ही नहीं है। कभी कल्पना से बाहर, ये तो जीरो पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, जीरो पे कई जगह बैठे हुए हैं, ऐसा व्यवस्था नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि प्रदेश की जनता ने एक बहुमत दिया जो हमारे खिलाफ में था, उसके बावजूद हमने इंट्रोस्पेक्ट किया, कहां गलतियां हुई उसको सुधार किया, जनता के बीच में गए, इनके वादों के साथ गए कि क्या वादा इन्होंने किया था और क्या निभाया। ठीक है, केके शर्मा सर, केके शर्मा सर, जो जीतेगा बस्तर वही होगा छत्तीसगढ़ के रायपुर के महानदी भवन का सिकंदर। और इस बार किससे क्या उम्मीद है आपको? निश्चित रूप से कांग्रेस अभी 11-1 की जीती थी, जो 1999 के बाद 2000 भाजपा के पास, एक कांग्रेस के पास। बस्तर की इसीलिए कहा जाता है कि बस्तर जो 12 सीट है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, लेकिन फिलहाल अभी सांसद अभी मेरे पास है। तो कुल मिलाकर के आदिवासियों में अभी कांग्रेस की जो पकड़ दिख रही है उसमें जन घोषणा पत्र और जो देवगुड़ी का विकास की बात करें, मनोहर की बात करें, जो भूपेश बघेल सरकार के पूरा फोकस आदिवासियों पर रहा है, उसका परिणाम जो अभी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भाजपा के संगठन महामंत्री वहां पे लगातार ओम माथुर दौरा कर रहे हैं, मंडल और जिला स्तर पर दौरा करने के बाद पदाधिकारियों को सक्रिय करके अब महाजनसंपर्क अभियान जो उसका शुरू हो रहा है लोकसभा और विधानसभा है सर, 2023 विधानसभा और लोकसभा 2024 की भी तैयारी में जो भाजपा कर रही है। तो बस्तर की जनता ये को ये दे रहे हैं कि वास्तव में आदिवासियों के नाम पर जो भय वो भ्रष्टाचार की बात होती थी, नक्सली क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ विकास की एक भूख देखने को मिल रही है, चाहे किसानों के माध्यम से हो, चाहे वनों पर खरीदी के माध्यम से, तो लोगों में वो कितना वास्तव में क्रियान्वयन हो रहा है वहाँ पे, धरातल में कितना क्रियान्वयन हुआ है भूपेश सरकार की योजनाओं का, इसकी भी परीक्षा इसमें हो गई। खासकर छत्तीसगढ़ जिस मॉडल की हम बात करते हैं उसकी परीक्षा इसमें है। इसमें बस्तर की ही बात नहीं, पूरे प्रदेश में 29 में से 27 विधायक आदिवासी अभी कांग्रेस के पास है। तो भाजपा जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के फौज के साथ
मैदान में आ रही है, तो उनको मुद्दे क्या देखी जाएगी, जो कमियां सरकार राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार की उपलब्धि, चाहे जनजीवन की बात करें, चाहे आकांक्षी जिलों के माध्यम से बस्तर के 7 जिलों का जो उसमें शामिल है उनका विकास कितना हुआ है, केंद्रीय मंत्रियों को लगातार दौरा हुआ और मोदी के चेहरे पर जो चुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो मोदी वर्सेस ठीक है। केके शर्मा सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो महाजनसंपर्क अभियान है बीजेपी का चला रही है, वो कितना कारगर हो पाएगा इस बार बस्तर में? क्या वाकई में अगर कारगर होता है तो कांग्रेस को इसका सीधा नुकसान होगा? देखिए लोग स्तर पर है, प्रेम ये जो महाअभियान जो चल रहा है देश भर में 2024 केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ कितना मिला, जैसे मैंने पहले कहा प्रधानमंत्री आवास योजना क्या स्थिति है, जल जीवन मिशन की क्या स्थिति है, उज्ज्वला की क्या स्थिति, ये सब तमाम उनका सम्मेलन कराने की भाजपा जी आपको ऑडियो से ठीक नहीं है, मैं पीसीआर टीम से गुजारिश करूंगा कि आपकी अब थोड़ा आवाज को ठीक करें, आपकी ऑडियो ठीक करें। ऋषभ चंद्राकर सर, कैसे देखते हैं बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को और कितनी चुनौती दे रही है ये महाजनसंपर्क अभियान कांग्रेस पार्टी को? ये कोई चुनौती नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके तीन तीन प्रभारी पहले भी आके बदले जा चुके हैं। डी पुरंदेश्वरी जी बस्तर में सभा करके बोलते हैं कि हम थूक के भा देंगे, छत्तीसगढ़ और आदिवासियों का अपमान करते हैं। इसी तरह ओम माथुर जी भी अभी आए हैं, वो भी चले जाएंगे। इनका जन सरोकार वहां तो रहा नहीं गया, 15 सालों इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आदिवासी का शोषण किया है, आदिवासी के नाम से कुछ किया नहीं है, उनके लिए कोई योजना कभी नहीं लाई हमारी। मैं बताना चाहूंगा, वादा खिलाफी की बात कर रहे थे, इन्होंने जब 2003 में सरकार बना उसके पहले मैनिफेस्टो लाया था, उसमें प्रत्येक आदिवासी परिवार से एक को सरकारी नौकरी और 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देने की घोषणा की थी, और प्रत्येक गांव में एक महिला व एक पुरुष ग्राम प्रहरी बनाने का वादा किया था, इन्होंने उसको नहीं किया। और मैं आपको बताना चाहूँ, इनके बहुत ऐसे वादे हैं जिनको इन्होंने कभी भी बस्तर को लेकर आदिवासी को लेकर कभी भी पूरा नहीं किया गया, हमेशा सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणा बन के रह गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने DRG में 2100 पदों पर भर्तियां दुर्गा वाहिनी और दंतेश्वरी महिला के थ्रू बटालियन में किया है, बस्तर कनिष्ठ सेवा का चयन बोर्ड का स्थापना किया है, NMDC की पहली भर्ती परीक्षा रागपुर से होती थी वो अब जगदलपुर और दंतेवाड़ा से उसका करवाया गया है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि केंद्र के इनके जो ओम माथुर जी हैं वो केंद्र के प्रतिनिधि बन के आते हैं, हम केंद्र के प्रतिनिधि हैं, वो वन अधिकार नियम 2006 का जो था आदिवासी हितों के प्रावधान के लिए जो वन अधिकार नियम था, इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए उसको शिथिल किया है, और पहली बार कमर्शियल माइनिंग की अनुमति वनांचलों में इन्होंने देने का काम किया है। ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को लूट घसूट इसी दृष्टि से देखें कभी भी, और अभी जब 15 सालों के बाद आदिवासियों का विकास हो रहा है, आदिवासियों का उन्नयन हो रहा है, उनके शिक्षा दी जा रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके रहते 314 स्कूल सरकारी स्कूल ऐसे थे जिनको बंद कर दिया गया था, जिसको आपस में खोला गया है, और हर ब्लॉक में आत्मनिर्भर इंग्लिश मीडियम स्कूल वहां खोला जा रहा है, और हमारी सरकार 2 नए मेडिकल कॉलेजों की भी घोषणा की है, पहले सिर्फ बस्तर में 1 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, अभी 2 मेडिकल कॉलेज और खोला गया है उसको किए गए। और मैं बताना चाहूंगा बस्तर केंद्रीय बलों की तैनाती का पैसा जो सेंट्रल से आता था, सेंट्रल गवर्नमेंट से 12,000 करोड़ रुपए आया करता था, उसको इन्होंने रोक दिया गया, उसको राज्य के हिस्से से काट ली गई है। कोंडागांव जिलों को ये लोग नक्सली एरिया से, नक्सली प्रभावित एरिया की सूची से हटा दिए। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिससे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आदिवासियों का शोषण किया है 15 सालों तक इन्होंने, और अभी भी ये केंद्र सरकार के माध्यम से शोषण कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। ये अगर आप जा भी रहे हैं बस्तर में तो जनता इनसे पूछेगी कि 15 सालों ने आपने ये सब चीज क्यों नहीं किया, अभी क्यों आ रहे हैं। ठीक है निशिकांत पांडे साहब, देखो कांग्रेस पार्टी का मोरल जो है वो बहुत हाई है, मोरल बूस्टअप है, अभी हाल ही में हिमाचल जीते, फिर रिसेंटली कर्नाटका जीते हैं, और अब कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अगर घर से बाहर भी ना निकले 2023 से ये नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, तो भी जीत जाएंगे छत्तीसगढ़, इतना मोरल हाई है सर। देखिए सोनी जी, जब नाज मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। राष्ट्रपति की लाइन आपको अच्छी याद है, लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ मुद्दे को कैसे उठाएगी? 10 सेकंड हाँ। मैं आपको भी जवाब देता हूँ। हाँ। देखिए अभी हमारे ऋषभ चंद्राकर जी ने बहुत बड़ा हल्के में बोला कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। देखिए चुनाव को चुनौती नहीं मानना, विपक्ष को चुनौती नहीं मानना। नहीं, बीजेपी तो हर टाइम चुनावी मोड में रहती है सर। नहीं, मैं जो सीएम सुनील जी बात बोल रहा हूँ, जो अभी ऋषभ चंद्राकर जी ने बोला, देखिए पेड़ में फल लगता है तो झुकना चाहिए, नहीं तो उड़ जाते हैं। खैर वो अलग विषय है। आपने कहा कि हम किस विषय पे जा रहे हैं,
देखिए इनके तमाम घोषणा पत्र को लेके जा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे जो 15 वर्षों के कार्यकाल है हम किसी चीज के पीछे नहीं हट रहे हैं, न पीछे छिपेंगे। हमारे कार्यकाल को प्रदेश की जनता ने देखा है और लगातार 3 बार आशीर्वाद दिया है। ये जो बात कर रहे हैं ना कि 3 में ऐसा हुआ 5 में ऐसा हुआ, लगातार भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन प्राप्त होता रहा। 2018 में जनता हमसे विमुख हुई, कोई बात नहीं है, हम जनता के बीच गए और जनता के बीच लगातार प्रयास कर रहे। आप एक चीज बताइए कि जब नियमितीकरण की बात करके जो भूपेश बघेल जब प्रदेश अध्यक्ष थे, नियमितीकरण के स्टेज पे जाके सूरत करेंगे, आज 4.5 साल बाद किसको पीठ दिखा रहे हैं? बेरोजगारी भत्ता इनके टीएस सिंहदेव सेकंड नंबर के मंत्री राहुल गांधी के समक्ष 3,000 करोड़ रुपए की बात की थी, कहा 71 बार सर करके जितनी बार चीजें आई थी उतने बार इन्होंने 71 बार सर करके बोला था कि 3,000 करोड़ रुपए हमको देना है, 18 लाख बेरोजगार युवा हमारे प्रदेश में है, हर वर्ष देंगे 250 करोड़ रुपए दिया। क्या हुआ ढाका? वो कहेंगे कि 15 लाख का वादा किया था, वो 15 लाख कहाँ आया? दिखा दीजिए घोषणा पत्र में, अगर ऋषभ चंद्रा के हिम्मत भाषण में तो था, भाषण में तो था भाग, यही तो बात मैं घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ सोनी जी, भाषण कुछ और है, घोषणा पत्र कुछ और है, घोषणा पत्र कह दीजिए कि भाषण झूठा था। देखिए अब ऋषभ के बीच में मैं नहीं बोला, लेकिन वो लगातार बोलेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी का चाल चली सब बोला है, वो दूसरे को बोलने नहीं देगा, तो उससे क्या हो कि हम लोग आएंगे संबोधन को चुनाकर जब तक मेरी बात नहीं की उसे तब तक आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। सीएम सोनी जी मुझे आपका संरक्षण चाहिए, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, अपने समय में तो बोलेंगे दूसरे के समय में बोलेंगे। ऋषभ पंत प्लीज, हाँ सोनी जी, अरे आप जन मत बने ना पीएससी से, गलत बात करते हो, आपसे इतना तेज बोलेंगे तो आवाज फट जाती है सर, ऑन एयर नहीं जा पा रही है आवाज, मुझे तक भी नहीं आ पा रहा है, क्या कह रहे हैं आप आराम से इत्मीनान से अपनी बात रखिए, इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है सर। नहीं तो ये जज के ऊपर पीएससी के माध्यम से नहीं, जज नहीं बनेंगे ये प्रवक्ता है, जज के लिए लॉ करना पड़ता है, लॉ नहीं किया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सालों कोर्ट में, ये प्रवक्ता है सिर्फ और कुछ नहीं। मैं यही बात बोल रहा हूँ कि आप तय मत कीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को 2018 में जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, 2023 में हम लोग आ गए, चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में हम इनके इन्हीं के बात को जनता के समक्ष पहुंचा रहे हैं। शराबबंदी पे लगातार इनको जो लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी सीएम सोनी की, उसमें महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ था, वो 71 सीट का महिलाओं ने शराबबंदी के नाम इनको वोट किया था, शराबबंदी तो किए नहीं हो, शराब के नाम पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, प्रदेश के कोयला को लूटा, प्रदेश के संसाधनों को लूटा, और उस संसाधनों को लूटने वाले सिंडिकेट कौन था? सीएम हाउस मतलब मुखिया के नाक के नीचे इतने बड़ा सिंडिकेट चल रहा था और लोग जेल में है, नैतिकता क्या है माननीय जी? लेकिन अभी इनको अभी भी जमीन दिखाई दे रही तो मैं क्या कर सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बूथ में जा रही है, हर घर जा रही है और जनता के साथ अपना संवाद कर रही है। ठीक है, ऋषभ चंद्रा का जवाब दीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि बस्तर की बात कर रहे थे अभी, इन्होंने जब 314 स्कूल बंद किए तब इनको उस टाइम पे ख्याल नहीं आया कि वहाँ के बच्चों का क्या होगा, वहाँ के भविष्य का क्या होगा, और अब हमारी सरकार वहाँ पे बस्तर पे सिर्फ और सिर्फ आदिवासी उन्नयन पे काम कर रही है। आदिवासी प्राधिकरण जो इन्होंने 15 साल तक रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हैं जिनको अपने पास रखा था, उनको एक आदिवासी को देके वहाँ पे विकास के लिए काम किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार रहते हुए बस्तर में 600 गांव से 3 लाख से अधिक आदिवासी परिवारों को, आदिवासियों को बलपूर्वक उगाड़ कर पलायन के लिए रमन सरकार ने मजबूर किया था, उन विस्थापितों को वापस बुलाकर बसाने के लिए जिला कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई और उनको बसाया गया है आदिवासियों के, और आदिवासियों से छीन कर 90,000 एकड़ की भूमि, 90,000 एकड़ भूमि रमन सरकार ने उद्योगपति को दे दिए थे, दी थी लोनी गुंडा में, आदिवासियों से 4200 एकड़ जमीन छीन कर उद्योग लगाए, लैंड बैंक बनाकर लगाकर भूपेश सरकार ने लोडी गोड़ा के किसानों को निःशुल्क वापस दिया उसको, ये क्या बताएंगे। वन अधिकार नियम पट्टे के तहत कम से कम 4,65,000 आवेदन रमन सरकार ने निरस्त किए थे, भूपेश बघेल सरकार ने विगत 4.5 साल की सरकार में 4,85,000 एकड़ वन अधिकार पट्टे और 5,000 से अधिक सार्वजनिक भूमि पट्टे बांटे। वाजपेयियों को अपने 15 साल की प्रशासन में वादा खिलाफी और प्रशासनिक आतंकवाद के लिए बस्तर की जनता से माफी मांगना चाहिए, ये इनके नीति और नियत में फर्क है। ये जो बात करते वो कह रहे हैं कि जो आपने वादा किया था वो वादे अभी पूरे नहीं हुए हैं, शराबबंदी समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी आपको घेर रही है। हमारे 100% वादे पूरे हो गए, हमारे सिर्फ ये 100% तो मत कहिए सर प्लीज, ऋषभ चंद्राकर ऐसे इतना क्लियरली झूठ नहीं बोलिए प्लीज।
95% हमारे वादे पूरे हुए हैं। ये एक मुद्दा उठाते हैं शराबबंदी के मुद्दे, आपके बड़े नेता 90% कहते हैं, 95% कह रहे हैं, स्टैंड तो क्लियर कीजिए अपना। बस्तर वैसे भी आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे शराबबंदी लागू किया ही नहीं जा सकता। बस्तर की बात करते हैं, बस्तर में शराबबंदी लागू, वहाँ पे तो परंपरा है, उनकी प्रचलित है वो, वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि शराबबंदी कर पाए। और शराबबंदी की तरफ हमारी सरकार कहीं ना कहीं आगे कमेटी बनाकर बढ़ चुकी है। उस कमेटी में अगर इनके विधायकों का नाम मांगा जाता है तो उस कमेटी में विधायक का नाम नहीं देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर में पूरा 12 सीट में से 12 हमारे पास है। इवन उपचुनाव है उसमें भी 3 चुनाव में भी हम जीते हैं, और आने वाले चुनाव में भी पूरा 12 सीट हमारी कांग्रेस सरकार को आएगी, भूपेश बघेल की सरकार को आएगी। और सरगुजा भी आदिवासी क्षेत्र, उसमें भी पूरा 14 सीट हमारे कांग्रेस सरकार के पास है, वो भी आने वाले टाइम पे 14 सीट हमारे पास आएगी। हमारी 4.5 साल की सरकार जो है, के के शर्मा सर, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सर बस्तर इस बार 2023 के रण में दोनों ही दलों के लिए? विधानसभा चुनाव में हम देखेंगे तो यहाँ जो विकास की बात कांग्रेस कर रही है उसका धरातल में कितना हुआ है। विकास की बात भाजपा भी 15 साल में करती रही, एजुकेशन हब बनाने की बात वो करती रही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात वो करती रही, केंद्र सरकार के पैसे आकांक्षी जिलों के माध्यम से विकास की बात करते, इसका धरातल में कितना काम हुआ है। उसी तरह से जो भूपेश बघेल सरकार, धरातल में कितनी योजनाओं का वास्तव में क्रियान्वयन होगा, ये एक महत्वपूर्ण है। नीति दोनों ही बना रहे हैं, आदिवासी हित की बात शुरू से कर रहे हैं, आरक्षण की बात करें, इतने सालों में आदिवासियों का कितना विकास हुआ है, कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने लोगों को रोजगार दिए, ये सब विषय वहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आम लोगों का निचले स्तर पर जब दलित शोषित लोगों के विकास की बात होती है, जैसे भाजपा भ्रष्टाचार घोटाला वादा खिलाफी सहित 18 मुद्दों को लेकर जिस तरह लोगों के बीच जा रही महाअभियान चला रही है, तो उसका असर जब गाँव गाँव में जाएंगे तो उसका कितना वास्तव में क्रियान्वयन। ठीक है, निशिकांत पांडे, सुनने में आ रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री चेहरा रमन सिंह नहीं होंगे, ऐसा है क्या कुछ? ऐसा है, ये सुनने में आ रहा है, ये कहां से आप लेकर आए नहीं बता सकता। हमारी जहां सरकार नहीं है वहां हमारा चेहरा कमल का फूल है, कमल के निशान के नीचे हम लोग जाते हैं चुनाव में, और हर बार 2003 में भी हमारा चेहरा कोई नहीं था, लेकिन हम कमल के निशान के नीचे जाते हैं और पूरे सशक्त से और ताकत से हम जनता के बीच में है। मुख्यमंत्री चेहरा रमन सिंह होंगे कि नहीं होंगे बताइए, सुनने में आ रहा है कि नहीं होंगे, मना कर दिया पार्टी संगठन ने, इस बार नया चेहरा होगा बीजेपी की तरफ से। ये आपको इनपुट मिला होगा कहीं से, लेकिन इनपुट सच है मेरे पास, झूठ नहीं बोल रहा सर। ठीक है, वो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन केके शर्मा पुष्टि कर देंगे, केके शर्मा तो वहीं रह रहे हैं आप लोगों के बीच, बैठते उठते हैं। केके शर्मा सर, सच है क्या ये? शिवम सोनी जी जो विधायक दल तय करता है वही विधायक दल नेता चुनता है। हाँ, एक प्रक्रिया है, हमारा एक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें वैसा चयन प्रक्रिया होता है। उस बीच में आप अपनी बात रखूं? हाँ, एक सेकंड, के सर को सुन लीजिए, एक मिनट के सर को सुन लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अध्यक्ष साव की बात करें, चाहे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की बात करें, हाँ। जिस तरह पिछड़े वर्ग के नए लोगों को अवसर मिला है और कार्यकर्ताओं में जिस तरह से बात आ रही है कि साउथ से एक महिला आती थी, साउथ से छत्तीसगढ़ प्रभारी हुआ करती थी, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, डी पुरंदेश्वरी, उन्होंने कहा था कि कमल का फूल रहेगा हमारा चेहरा, तो कुछ महीने हो गए इस बात को, कि सब बोल रहे हैं कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात आ चुकी है, लेकिन सब कार्यकर्ता एकजुट होकर जो चेहरे की बात हो रही है, हाँ। तो परिवर्तन दिख ही रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष और जो पार्टी अध्यक्ष में जो परिवर्तन हुआ है उसको लेकर के दिख रहा है, और इसके साथ ही टिकट में कितना परिवर्तन होता है। पिछले समय एक बात आ रही थी एंटी कम्बेंसी के साथ साथ चेहरे जो नहीं बदले गए उसका भी एक बड़ा कारण आया कि कार्यकर्ता तो समझ गए थे कि चुनाव हार है, नेता नहीं समझ पाए थे, ये बात भी है। तो जो 2018 की बात है, 5 साल बाद अभी पार्टी कहां खड़ी है ये उनको तय करना है। ओम माथुर जैसे कह रहे थे चुनौती नहीं है छत्तीसगढ़, तो देखना है कि उनकी संगठन क्षमता में कितना दम है, ये भी इस चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। जी ठीक है, निशिकांत पांडे बताइए। जी मैं वही बात बोल रहा था कि विधायक दल हमारे यहाँ तय करता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो अलग विषय है। रही बात जो चुनौती की बात कर रहे थे, वास्तव में देखिए आप किसी को हल्के में लेके नहीं चल सकते, राजनीति है, और जनता ने इनको प्रचंड लैंडस्लाइड विक्ट्री दी थी, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और जनता के बीच में हम बात लेके गए और बड़ा सकारात्मक रूप से गए। अभी जो हम लोग पोल खोल कर रहे हैं गोठान का, वो भी जनता हाथों हाथ ले रही है। भ्रष्टाचार के विषय तो है ही प्रदेश में, और जो प्रशासनिक आतंकवाद की बात करें हमारे मित्र, वो तो देखने को मिला कि डिप्टी कलेक्टर देश को प्रदेश को चला रही थी, आयुक्तों को चला रही थी, वो देखने को मिला, खुद स्वयं जेल में है, तो वो अलग विषय ही है, विषय ही अलग है। शराब में आपने जो भ्रष्टाचार किया है वो सर्वमान्य है, सबके सामने ईडी ने उसको साबित कर दिया है। हालांकि 2000 करोड़ रुपये बताते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा होगा, फिर भी
अगर भूपेश बघेल जी अगर सोचते हैं कि सरकार रिपीट करेगी तो 3 महीने या 4 महीने मैक्सिमम की बात है, 6 महीने में परिणाम आ जाएगा और मतलब जनता अपना नेता भी चुन लेगी और सत्ता भी चुन लेगी। लेकिन जो अहंकार अभी ऋषभ चंद्राकर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का दिख रहा है वो अहंकार बयां करने को काफी है कि इनका जो है घड़ा भर गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका निशिकांत पांडे साहब, बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ चंद्राकर जी और के शर्मा साहब चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।